उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। सानिया मिर्जा यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। वह एक टीवी मैकेनिक की बेटी हैं, जिसने अभी हाल ही में एनडीए एग्जाम क्रैक किया है। जब से यूपीएससी ने एनडीए का रिजल्ट जारी किया है, तब से वह हर तरफ से रिपोर्ट फैल गई है कि यूपी की सानिया मिर्जा भारत की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनने वाली हैं। इस पर अब भारतीय वायुसेना ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए 4 साल की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग पास करनी होती है, जिसके बाद ही वह बन पाएंगी। वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन पाने के लिए एक कैंडिडेट को 4 साल लगते हैं। इन 4 वर्षों में कैंडिडेट को फ्लाइंग ब्रांच की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। IAF प्रवक्ता ने बताया कि एनडीए ज्वाइन करने वाले IAF कैडेट फ्लाइंग ब्रांच को अपने बाकी कोर्स मेट्स आर्मी और नेवी के साथ पहले 3 साल की कंबाइंड ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का उद्देश्य तीनों सेवाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको आखिरी 6 महीने में फ्लाइंग की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा कि इस युवा महिला सानिया मिर्जा को एनडीए IAF फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के निर्देश मिले हैं, लेकिन उसे वायुसेना में पायलट बनने के पद पर कमीशन पाने के लिए 4 साल लगेंगे। इस दौरान उसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए जरूरी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, फाइटर पायलट बनने के लिए जरूरी मेरिट्स हासिल करनी होगी। एयरफोर्स ने सानिया मिर्जा को उसके भविष्य के लिए दुआएं दी हैं और उसका हर सपना पूरा होने की कामना की है।